Tell you what, and what's happened now? Discussions on Kanchukete. Today we'll be discussing with counting figures. ठीक है, counting figures देखते हैं आज. Counting figures. ठीक है, counting figures is very important for many competitive exams. आप जानते हैं competitive exams में आपको बहुत सारी figures आ जाती हैं, जिसमें आपको बताना होता है number of squares, number of triangles, number of rectangle, number of rhombus. सर्कल ऐसे सच नहीं आता क्योंकि वो मैन्युअली ही काउंट हो जाता है. करेक्ट है. सो यहाँ हमें कुछ ट्रिक सीखनी होती है, कंसेप्ट हम सीखेंगे. वो ट्रिक आपको एकदम से याद रहनी चाहिए. ये हर एक पेपर में अब ट्रेंड हो चुका है. जैसे अभी इस ईयर आईएएस के प्रीलिम्स में हमने देखने को मिला सीसेट में कि क्वेश्चन भी था उसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स उसमें पूछे थे. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर टू सी. करेक्ट. तो सबसे पहले हमें काउंटिंग फिगर्स में जाने से पहले हमें क्या समझना होना चाहिए, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए. क्या कि पहले फिगर्स कौन कौन सी होती हैं? तो मैं बात करता हूं क्वाड्रिलेटरल की. सबसे पहले फटाफट से क्वाड्रिलेटरल और छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं. क्वाड्रिलेटरल्स मतलब जिसकी फोर साइड्स हो, एनी फिगर जिसकी फोर साइडेड फिगर. क्वाड्रिलेटरल्स का अगर मैं डिवीजन करूं तो पहला आएगा पैरेललोग्राम, जिसे सिंपल इसे ऐसे लिख देना तुम पैरेललोग्राम, दिस मींस पैरेलल साइड. और एक होता है आपके ट्रेपेजियम. करेक्ट है, पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम. पैरेललोग्राम के अंदर हम फिर लिखते हैं रेक्टेंगल, रोम्बस. और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मुझे इस डायग्राम से बतानी है वो ये, देखो पैरेललोग्राम क्या है. पैरेललोग्राम जिसकी दो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, इक्वल हो, पहली डेफिनेशन. जिसकी अपोजिट साइड इक्वल हो वो पैरेललोग्राम. जो जिसके एडजेसेंट एंगल 90 डिग्रीज हो वो पैरेललोग्राम. सो पैरेललोग्राम की डेफिनेशंस बहुत सारी है. ये नहीं कि एक ही डेफिनेशन पे पैरेललोग्राम डिफाइंड हो गया है. पैरेललोग्राम की बहुत सारी डेफिनेशन है. ठीक है, उसके अंडर फॉल करता है रेक्टेंगल. भाई आप सभी को पता है रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल जिसकी अपोजिट साइड क्या हो, इक्वल हो, और एडजेसेंट एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो. रोम्बस आपको पता है जिसके जिसकी साइड लेंथ इक्वल हो. ठीक है, और स्क्वायर क्या होता है बेसिकली? स्क्वायर रेक्टेंगल भी है और स्क्वायर रोम्बस भी है और स्क्वायर स्क्वायर भी है. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, स्क्वायर रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर रोम्बस भी है और स्क्वायर स्क्वायर भी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी ने कहा है कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स काउंट करके दिखाओ, तो ये याद रखना कि आपको स्क्वायर्स भी काउंट करके दिखाने हैं उसमें, रेक्टेंगल एज वेल एज स्क्वायर्स. क्यों? मैंने बोला रेक्टेंगल क्या है? जिसकी अपोजिट साइड इक्वल हो और एडजेसेंट एंगल 90 डिग्री हो. क्या मुझे बताओ अगर मैं स्क्वायर में ये डेफिनेशन देखूं कि ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर, तो अपोजिट साइड तो इक्वल है लेकिन 90 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूं क्या ये रेक्टेंगल है? हाँ. रोम्बस भी है. क्यों? क्या साइड लाइन के डिस्टेंस अगर मैं इसे कह दूं D1 D2, तो D1 इज इक्वल टू D2 भी है कि नहीं? सो मैं ये कह सकता हूं कि एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल एंड एवरी स्क्वायर इज रोम्बस, और स्क्वायर तो स्क्वायर होगा ही होगा. ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब भी आपसे रेक्टेंगल काउंट करने को कहे वो, तो ये याद रखिएगा कि आपको क्या भी काउंट करने हैं, स्क्वायर. जब भी वो रोम्बस काउंट करने को कहे तो आपको ये भी याद रखना है कि आपको स्क्वायर भी काउंट करने हैं. क्लियर है? वो हम देखेंगे क्या कैसे कैसे काउंट करते हैं फटाफट से, पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको होना चाहिए. ट्रेपेजियम आपको पता है दो पैरेलल साइड होनी चाहिए, उसको ट्रेपेजियम कहते हैं. पैरेललोग्राम की फिगर जो ऐसे बनाते हैं लोग बाग, और एक बार कर दो डेफिनेशन के हिसाब से, रेक्टेंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो 90 डिग्री हो, और रोम्बस को तो आप जानते ही हैं स्क्वायर की तरह, लेकिन ये D1 और D2 मस्ट बी इक्वल. D1 D2 मस्ट बी इक्वल. क्या लिख रहे हैं आप?
ठीक है, लिखो इसको क्या ये बात समझ में आती है आपको। सो क्वाड्रिलेटरल फोर साइडेड कोई भी फिगर हो जिसमें पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम हमने देखा ये सब। अब हम फटाफट से विदाउट वेस्टिंग टाइम काउंट करना सीखते हैं क्या। देखो आपने देखा होंगे जनरली क्वेश्चन आएगा, जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं वो तीन ही फिगर्स पे आते हैं। पहला हम सीखते हैं रेक्टेंगल्स काउंट करना, रेक्टेंगल्स। दूसरा हम सीखेंगे स्क्वायर्स, और तीसरा हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे ट्राइंगल्स। करेक्ट है। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं क्या, रेक्टेंगल्स। देखो फॉर एग्जाम्पल मुझे बताना है कि इस फिगर में कितने रेक्टेंगल हैं। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये पर्टिकुलर रेक्टेंगल, मतलब ये साइड इस इक्वल नहीं है अगर मैं बात करूं, तो मुझे बताना है इस फिगर में कितने रेक्टेंगल हैं। तो आपको सबसे बेसिक आइडिया क्या होना चाहिए वो सीखे हम। आपको हॉरिजॉन्टल मार्किंग और एक वर्टिकल मार्किंग, हॉरिजॉन्टल मार्किंग और वर्टिकल मार्किंग करनी आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब हमें चलना है स्टार्टिंग विद दिस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो पहले को नंबर दूंगा 1, 2, 3 मार्किंग करनी है, फिर नीचे ही 1, 2, 3। मतलब हमें हॉरिजॉन्टल मार्किंग भी करते चलनी है और हमें वर्टिकल मार्किंग भी करनी है। फिर क्या करना है, फिर हमें एडिशन करना है इनका, मतलब 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6 और यहां लिख देना है 6, जो भी इसका एडिशन सम है। फिर अगेन वही हमें यहां करना है वर्टिकल में 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6। और बाद में क्या करना है, इसको उठाकर और इसको उठाकर क्या करना है, 6 और 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 36 रेक्टेंगल्स हैं इस फिगर में। क्या बात समझ में आई हमें, क्या करना है, हॉरिजॉन्टल मार्किंग करनी है, वर्टिकल मार्किंग करनी है, और क्या करना है, ऐड करना है वो लिखना है, और दोनों कॉर्नर्स को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेंगे, रेक्टेंगल्स। याद रखिए ये रेक्टेंगल्स मिल रहे हैं, टोटल रेक्टेंगल्स, दीज आर टोटल रेक्टेंगल्स। ये क्या मिल रहे हैं हमें, टोटल रेक्टेंगल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मतलब क्या इनमें स्क्वायर भी काउंट हुए होंगे, बिल्कुल, इसमें क्या हुए होंगे, स्क्वायर भी काउंट हुए होंगे। अच्छा अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि फाइंड नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर, मतलब आपको रेक्टेंगल निकालना सीख गए, स्क्वायर निकालना सीख जाएंगे, तो इस यूनिट में स्क्वायर के यूनिट सीख के माइनस कर देंगे तो क्या हमें वह रेक्टेंगल मिल जाएंगे जो स्क्वायर नहीं है। तो लैंग्वेज को देखना आना बहुत जरूरी है। और एक बात बताएं, जब हम ये सब पढ़ा लेंगे तो एक ट्रिक बताएंगे कि आपको सवाल पता हो ना पता हो आंसर जरूर मार्क हो जाएगा वो, लेकिन बाद में, अभी नहीं, मतलब आप सभी उससे देना स्टार्ट कर देंगे। क्या पहली बात समझ आई कि पहले क्या करना है, हमें हॉरिजॉन्टल मार्किंग करनी है और वर्टिकल मार्किंग करनी है, ऐड करना है करना है। बेसिकली ये कुछ ट्रिक तो है ही सही, लेकिन जो बहुत ज्ञानी व्यक्ति है हमारे यहां, आप लोग परम्यूटेशन से ला रहे थे, यस ये है बेसिकली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ही सवाल। क्यों है, क्या मुझे बताओ, क्वाड्रिलेटरल, या मैं बात करूं सीधा रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो पैरेललोग्राम, क्या पैरेललोग्राम चार साइडेड फिगर है जिसमें आपको दो वर्टिकल और दो हॉरिजॉन्टल चाहिए। देखो ये बात किसको नहीं समझ आई वो समझने इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत ठीक है कि कंसेप्ट क्या है बेसिकली, ऐसा क्यों लिख देते हैं 1 + 2, वो समझने के लिए वो बात है। क्या दो हॉरिजॉन्टल है और दो वर्टिकल है, तो मुझे बताओ कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है हम पे, 1, 2, 3 और 4। अगर मैं चार में से जितने तरीके से दो हॉरिजॉन्टल लाइन चुन लूं, और कितनी वर्टिकल लाइन है, 1, 2, 3, 4, और चार में से जितने तरीके से वर्टिकल लाइन चुन लूं, क्या दोनों का मिक्सचर मुझे एक पैरेललोग्राम बनाकर दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा। दोबारा समझो, क्या है कि भाई पैरेललोग्राम बन किससे रहा होगा, दो दो वर्टिकल साइड से और दो हॉरिजॉन्टल साइड से।
तो मैं कितने तरीके से वर्टिकल अलग अलग साइड ढूंढ लूं और कितने तरीकों से हॉरिजॉन्टल साइड ढूंढ लूं तो क्या मुझ पे नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स पता चल जाएंगे। तो इसका करने का तरीका जो जो जानते हैं होता है 4C2। जितनी चीजें होती हैं उनमें से कितनों का सिलेक्शन करा हमने, दिस इज 4C2। ये क्या है, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन चुन ली, फिर 4C2 ये क्या कर लिया, वर्टिकल लाइन। दो हॉरिजॉन्टल लाइन दो वर्टिकल लाइन चुन ली, यही हमारा आंसर आ रहा होगा। जब आप इसे करते हैं ये होता है 4 × 2 × 2 × 4 × 2 × 2 × 3 × 3 × 4 3 × 4 × 4 × 3 × 3 इधर से भी क्या आ रहा हमारा 36 ही आ रहा है, 12 × 3 = 36। जिन्हें ये नहीं करना आता वो सीख लें एक बार बस ऐसे ही कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या है। अगर हम पे n थिंग में से, ये बहुत काम में आएगा आपको प्रोबेबिलिटीज में भी, n थिंग में से m थिंग्स का सिलेक्शन करना है। टोटल क्या है, n थिंग्स, सिलेक्शन कितनों का करना है उसमें से m थिंग का, तो होता है NCM। किस तरीके से होता है NCM, और इसको खोलते हैं सॉल्व कैसे करते हैं, n factorial upon n minus m factorial upon m factorial। तो अभी जैसा हमने सीखा था इसमें कि 4C2 फिर 4C2 ये मल्टीप्लाई करना इज बेसिकली PNC, ठीक है। तो ये हो जाता है 4C2 दैट इज 4 × 2 × 2 × 4 × 2 × 2 जो ये कट रहा है, और यहाँ 12 × 3 दैट इज 36 आ रहा है। ये बात समझ में आती है, तो बेसिक बात समझ में आई कि नहीं हमें, कि हमें कैसे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स काउंट करने हैं, वो बात समझ में आनी चाहिए। देखिए फटाफट इसको, चलिए तो थोड़ी बहुत फिगर काउंट करके दिखाएं मेरे को आप फटाफट से। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है इसमें, चाहे से और बढ़ा लें कोई दिक्कत नहीं हमें। अब हमें कंसेप्ट पता चल जाता है तो सारी बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। तो करिए इसमें बताइए नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने फिगर में। तो करना क्या हमें, हॉरिजॉन्टल मार्किंग एंड वर्टिकल मार्किंग, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 2 × 3 × 4 क्या करना है, एड करते करते चलना है। तो 1 × 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10, 10 + 5 = 15, 15 + 6 = 21। इधर आ तो 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10, that is 10। तो कितना आया, 21 × 10। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे यहाँ, 210, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। क्या बात समझ में आ रही है हमारी, तो टोटल नंबर रेक्टेंगल्स काउंट करना आया। क्या मैं इसमें पूछ सकता हूं ये क्या है, ओनली रेक्टेंगल्स प्लस स्क्वायर्स रेक्टेंगल, मतलब स्क्वायर और ओनली रेक्टेंगल स्क्वायर का मिश्रण है ये वैल्यू। ये बहुत ध्यान रखना, आप ये भूल जाओगे कि ये क्या पूछा है क्वेश्चन में। अच्छा अगर सवाल आएगा, अगर पीसीएस में किसी का है तो वो ये जरूर पूछेगा कि फाइंड नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर, और आप तुरंत भूल जाओगे क्यों, आपको तो तुरंत हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की आदत पड़ गई है, आप वो भूल जाओगे कि उसने पूछा क्या है एक्चुअली। एक कुछ तो लॉजिकल कुछ तो टाइम कंज्यूमिंग चीज पूछेगा ना, अभी ये पूछ लेगा तो सभी ना कर देंगे। सो यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर, करेक्ट है। चलिए क्या हमें रेक्टेंगल्स की टेक्निक समझ आई, अब स्क्वायर की सीखते हैं फटाफट से, नंबर ऑफ स्क्वायर्स गिनने की टेक्निक फटाफट से। देखो कोई कहे कि गिन के दिखाओ ना, तो वाई टू नेसेसरी वेस्ट द टाइम,
अननेसेसरी क्यों हम टाइम खराब करें गिल्लो में आप कम पड़े तो मुझे गिनवा देना बाद में ठीक है अभी कम पड़े तो बाद में गिनवा ही देना उसमें कोई दिक्कत है नहीं ठीक है लिखो स्क्वायर सेकंड फटाफट से स्क्वायर्स आज तो गर्मी बहुत हो रही है स्क्वायर्स स्क्वायर्स को काउंट करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है ना है तो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन पर देखते हैं क्या होता है फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट यू हैव टू काउंट नंबर्स ऑफ स्क्वायर इन दिस फॉर एग्जांपल ये सब स्क्वायर्स ही है ना यार क्या बिल्कुल स्केल से तो हम बना नहीं सकते तो स्क्वायर्स की काउंटिंग करना सीखो फटाफट से स्क्वायर में क्या करना है करना हमारे उसमें एक ही काम है यू हैव टू नंबर नंबरिंग भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली चलेगी जैसे करते हैं तो करते हैं पहले नंबरिंग 1 2 3 हॉरिजॉन्टल कर ली फिर वर्टिकल कर लेना 2 3 4 अब आपको करना क्या है वो सुनना आपको पहले जो ये लिखा है कॉर्नर्स पे वो मल्टीप्लाई करो 4 into 4 इसलिए लास्ट की डिजिट्स मल्टीप्लाई करो जो जो भी आई है फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ एम आता है और यहाँ एन आता है तो आपको क्या करना है सबसे पहले एम इंटू एन जैसे 4 into 4 किया हमने क्योंकि हो सकता है यहाँ 3 फंस रहा हो वहां 4 फंस रहा हो वो तो फिगर है भी हम देखेंगे भी यहाँ 3 फंस रहा हो वहां 4 फंस रहा हो तो दैट डिपेंड्स अपॉन फिगर टू फिगर 4 into 4 16 हो गया फिर आपको एक एक वैल्यू दोनों में से कम करते हुए चलना है जैसे 4 में से एक वैल्यू कम करी तो 3 आया और इस वाले में से भी करी 3 मल्टीप्लाई करना है 9 फिर दोबारा से कम करा एक वैल्यू फिर आई 4 फिर दोबारा से कम करा तो 1 दैट इज 1 अब तो 0 आएगा कोई काउंट नहीं होगी अब फिर आपको इन सबको क्या करना है ऐड करना है तो मुझे पता कितना हो गया 9 1 10 16 4 3 दैट इज 30 तो ये क्या है नंबर ऑफ स्क्वायर्स दोबारा सीखते हैं बात करनी अगर हमें क्या करना है सबसे पहले हमें हॉरिजॉन्टल नंबरिंग करनी है और वर्टिकल नंबरिंग करनी है हॉरिजॉन्टल नंबरिंग और वर्टिकल नंबरिंग के बाद हमें क्या करना है हमें सबसे लास्ट वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है फिर उनमें से एक एक कम करना है याद रखें डोंट बी सो स्मार्ट कि इसको 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 मल्टीप्लाई कर रहे हो जो बोला उतना ही करना तुम बहुत दिमाग वाले मुझे पक्का पता है तुमने ये बना लिया होगा फिर इसको इसको फिर इसको इसको फिर इसको इसको ऐसा कुछ ना करना क्योंकि हो सकता है कि ये तो अभी भी खुद भी एक बड़ा स्क्वायर ही बन रहा है तो इसलिए 4 into 4 है हो सकता है 3 into 4 हो 4 into 1 हो कुछ भी हो सकता है ना तो उसको भी हम देख लेंगे तो आपको क्या करना है लास्ट डिजिट लिखो उसमें से एक एक वैल्यू कम करते चले जाओ एंड यू विल गेट द आंसर क्या बात समझ आई फटाफट से लिखे इसको अब दूसरी फिगर सॉल्व करते हैं हम चलो इसमें बताओ मुझे नंबर ऑफ स्क्वायर फटाफट से इसमें बताओ फटाफट से चलिए बताइए इसमें क्या करा हमने हमने सबसे पहले क्या करनी है वर्टिकल नंबरिंग दैट इज 1 2 3 4 5 6 फिर सॉरी हॉरिजॉन्टल फिर करनी है वर्टिकल 3 और क्या करना है लास्ट डिजिट लिखनी है 6 into 3 दैट इज 18 फिर नीचे करो इसको कम एक कम करा तो 5 इससे कम करा तो 2 5 2 10 फिर इससे कम करा 4 इससे कम करा 1 4 फिर तो करूंगा तो 0 आ जाएगा तो कितना आंसर आया इसका ठीक है दोबारा सीखो क्या करना है हॉरिजॉन्टल नंबरिंग वर्टिकल नंबरिंग लास्ट वाले को लिख दो फिर एक 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 कम करते उसमें चले जाओ ठीक है तो 18 + 10 + 4 दैट इज 32 ठीक है ना अब इसमें बताओ पहली बात अब आप सोच रहे हो इसमें क्या करना है कुछ नहीं करना बेवकूफो
जब ये बीच वाले स्क्वायर नहीं बने थे तब कैसे काम करते थे, नंबरिंग करके 1 2 3 4 1 2 3 4, दैट इज 4 into 4, एक कम करा 3 into 3, एक कम करा 2 into 2, एक फिर कम करा 1 into 1, दैट इज 16 plus 9 plus 4 upon 1, दैट इज 16 plus 9 20 30, तो ये बैठ रहा था। फिर जब एक स्क्वायर बनाया तो कितने और एडिशन हुए, देखो एक तो ये वाला स्क्वायर, फिर ये वाला स्क्वायर 2, फिर ये 3, एक 4 और एक पूरा 5, मतलब एक अंदर करने से 5 का अंदर आया, कितने बनाए 4, तो 30 plus 5 into 4 20 plus 30, दैट इज 50। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई, दोबारा देखो, क्या ये जब फिगर नहीं थी बीच वाली तो ये इससे पहले से पहला क्वेश्चन था कि नहीं था, लेकिन अब फिगर थी तो अब हमने क्या करा, अब इसको देखो इसके एडिशनल डायलॉग्स कितने क्रिएट हो रहे हैं, एक तो ये वाला फिगर छोटा सा एक स्क्वायर, फिर इसके पड़ोसी वाला दूसरा, तीसरा, चौथा और एक खुद एक पांचवा, और कितने हैं 4, तो 30 तो पूरे थे, 5 into 4 That is 20 plus 30 is equal to 2. क्या बात समझ में आती है आपको, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स। अब मैं आपसे पूछता हूं पहले फिगर में जाकर कि बताओ ऐसे कितने रेक्टेंगल, ऐसे फाइंड नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर, तो आपको क्या स्क्वायर निकालने आते हैं, क्या करते हैं स्क्वायर के लास्ट को इंटू लास्ट से मल्टीप्लाई करके हम एक एक कम करते हुए चले जाते हैं, हम एक एक कम करते हुए चले जाते हैं, क्या बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, करेक्ट है ना, फटाफट से लिखो आप। अब तो क्वेश्चन आपको करने हैं, एक दो एग्जाम्पल मैं कितने ड्राइंग कर लू कोई फायदा नहीं है, शीट खोले धड़ाधड़ करते चले। अब इसमें क्या है, कुछ भी फिगर बना लो ना, लो इसको बताओ, चलो 1 2 1 2 2 into 2 1 into 1, दैट इज 4 1 5, ठीक है, कुछ भी फिगर बनाओ ना यार। अब मैं इसमें ये कर दू, हटाओ लोग करो क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है, कंसेप्ट एक बार समझ में आ जाता है तो बात खत्म, लो तो 6 3 4 5, अब क्या करोगे 6 into 5 5 into 4 4 into 3 3 into 2 2 into 1, और 1 बस इन सबको क्या करते हैं ऐड करके छोड़, कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, क्या मुझे बताओ रेक्टेंगल के लिए क्या करना है, हमें हॉरिजॉन्टल कर और वर्टिकल करके क्या करना है, लास्ट वाले को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, वेयर इज फॉर स्क्वायर्स व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू नंबर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आल्सो एंड देन अगेन मल्टीप्लाइंग द लास्ट टू डिजिट्स, और फिर उसकी प्रोसीडिंग वाली के कम कर भी मल्टीप्लाई करना है, फिर एड करना है, करेक्ट बात है, ठीक है। अब लिखें एक क्वेश्चन, देखो कई बार ऐसे पूछा जाता है, आईएएस प्रीलिम्स में एक बार एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, देख लेते हैं फटाफट से, कि 9 इक्वल सर्कल्स हैं, मैं बता देता हूं फिगर भी दी थी शायद, नाइन इक्वल सर्कल्स हैं ऐसे दिए हैं आपको, इक्वल सर्कल है ना, बन नहीं दिख नहीं रहे होंगे आपको, पर इक्वल सर्कल्स हैं। क्वेश्चन क्या था वो समझना, 9 इक्वल सर्कल्स हैं, आपको बताना है नंबर्स ऑफ स्क्वायर्स जो कि इनके सेंटर्स को ज्वाइन करके बन रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हमें स्क्वायर्स की संख्या बतानी है जो कि इनके सेंटर्स को ज्वाइन करके मिल रही होगी, ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूं इन पॉइंट से कितने स्क्वायर्स बन रहे हैं, तो क्वेश्चन लिखे फाइंड नंबर ऑफ स्क्वायर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ सर्कल, फटाफट से देखें, करें बताए इसमें, कल तो बहुत मस्ती कर लेते तुम लोग नहीं ठीक है,
आज जल्दी छोड़ देंगे बस। गर्मी तो आज बहुत होगी। कितना आंसर है? 6, 5 चलिए बताइए कितना कम से आ गया है। चलिए तो मुझे एक बात बताओ, क्या पूछा था मैंने कि इन के सेंटर से ज्वाइन करके कितने स्क्वायर्स बन रहे होंगे। तो आप तो एक बात समझो ना, क्या मैं ये कहूं कि ये सेंटर हो या कहूं कि 9 डॉटों से कितने स्क्वायर बन रहे होंगे, एक ही बात है भाई। मैंने कहा सेंटर से, तो मैंने एक अच्छी लैंग्वेज यूज कर ली, ये तो मेरे पे ऊपर है ना। मैं कह रहा था 9 डॉटों से बताओ, 9 बिंदुओं से बताओ कितने स्क्वायर बन रहे, बात तो एक ही थी। तो ये मैं हटा दूं क्या? ये हटा देता हूं, 9 बिंदु ही बना देता हूं, बात तो है क्या? बनाना तो उससे ही ना, मैं ये हटाया मैंने, ठीक है। तो 9 बिंदु को थोड़ा बड़ा बड़ा बना लेता हूं जो काम में भी आए। तो आपने जो आंसर बताया देख लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। स्क्वायर्स पूछा था तो आपने इन्हें ज्वाइन करा होगा ऐसे ऐसे करके और एक फिगर ऑब्टेन करी होगी, ये 1 2 1 2 करके मार्किंग करी होगी, 2 into 2 और 1 into 1 दैट इज 4 और 1 और 5 आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन आप भूल गए, देखो ये याद रखने वाली बात होती है, क्योंकि क्वेश्चन कोई अच्छे लेवल पे पूछेगा तो ऐसा तो पूछेगा। अब हवलदारों की बात ना करें तो वो अलग बात है, इसमें तो वो सिंपल से सिंपल सवाल आपको देगा। आपको तो आंख बंद करके जो मैं लास्ट में बताऊंगा, बस आंख बंद करके क्वेश्चन भी मत पढ़ना, आंसर आ जाएगा। देखो इसमें आपने फिगर बनाई, लेकिन क्या उसने बोला था कि यही फिगर है? उसने बोला था पॉसिबल स्क्वायर्स बताने मेरे को, तो पॉसिबल में क्या ये वाला ऐड नहीं हुआ? अब आप कहोगे क्यों भाई, हटाओ ये लाइन जो आपने बनाई है पीछे वाली, उसने थोड़ा ना दिया था, उसने ये फिगर बनाई नहीं थी, उसने तो आपको 9 डॉटें दी थी, बिंदु दी थी, उसमें से आपको बनाना था। तो क्या ये भी पॉसिबल है? तो एक बात याद रखना, जब फिगर दी होती है ना तो फिगर में हमें काउंट करना तो आता है, लेकिन याद रखना जब आपसे पॉसिबल पूछे या 2-3 फिगर्स कंबाइन करें तो हमें सब पॉसिबिलिटीज को देखना होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो एक और प्लस हो जाएगा तो आंसर क्या जाएगा इसका? 6। क्या बात क्लियर है? तो रेक्टेंगल्स काउंट करना है, स्क्वायर काउंट करना है, फटाफट से लिखे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, फट से लिखते चले नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। देखो ट्राइंगल बहुत अच्छी बात होती है और यही जनरली फॉल पूछा जाता है, ट्राइंगल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। मुझे एक बात बताओ, फट से स्टार्टिंग करते हैं, ये कितने ट्राइंगल है? एक, ठीक। मुझे बताओ अब कितने ट्राइंगल है? 3। कैसे? देखते चले आपका थोड़े रंग बिरंगे पेन उठाते हुए, जीवन भी आपका रंग बिरंगा ही है। देखो एक तो ट्राइंगल ये वाला, ठीक, दूसरा ट्राइंगल आपका इधर वाला, ग्रीन तो चल ही नहीं रहा है तो उसको ब्लैक से बना लेता है, ये वाला, और तीसरा ट्राइंगल कौन सा? ये ऊपर वाला। क्या आपको ऐसे ही काउंट करने हैं? क्योंकि ये फिगर तो आएगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो कैसे करते हैं उसका तरीका सीखना बहुत ध्यान से, हमें तो काउंटिंग करनी आती है। देखो क्यों जाया मेथड पे भी, अगर आप फैक्टोरियल करना सीखते हो, अपने आप को विद्वान मानते हो, तो आप पेपर में ये बिल्कुल ना करना भाई, फैक्टोरियल को भी काउंट करना तो पड़ेगा सॉल्व, उसको भी बिना सॉल्व करे कुछ कर लेंगे नहीं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम काउंटिंग कर रहे हैं वैसे वैसे करेंगे। सबसे पहले कैसे काउंटिंग करनी है, फिर क्या करना है, अगर याद रखना एक वर्ड एक्सिस से निकल रहा है और दूसरी साइड को काट रहा है, एक वर्ड एक्सिस से निकल के दूसरी साइड को डिवाइड कर रहा है, तब नंबरिंग चलेगी 1 2 ऐसे करके, और बीच में एडिशन हो जाता है, तो 1 + 2 आंसर वॉज 3। मुझे बताओ
इसमें क्या चलेगा, सिंपल सा 1 2 3 1 प्लस 2 प्लस